करके वो तोड़ दिया। मैं अब रास्ते पे आ गई, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, उसकी जान उसकी बेटी है, आप उसकी बेटी को मार दो, क्योंकि असली फसाद का जड़ वो लड़की है। मैंने उसकी बेटी से शादी करना चाहा, इसलिए वो मेरे साथ डील कैंसिल कर दी। ओ अंकल, अपना उम्र देखा है? मैं किसी मासूम का जान नहीं लेता हूँ, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। हे, उस लड़की की गलती है, वो अगर राजी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उस लड़की को मार नहीं सकता, आप जा सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं उसके पापा से बात कर सकता हूँ, वो आपके साथ डील कर लेगा। नहीं, मैं उसे बर्बाद होने देखना चाहता हूँ। उसका बेटी मर जाएगी तो वो पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। प्लीज सर, प्लीज। ये देखिए उसकी फोटो, जेके ना चाहते हुए भी उसकी फोटो की तरफ देखते हैं। इसे देखकर आपको भी पसंद आया ना? योनो भी देखता है। योनो, इसका हाल ऐसा करो कि जानवर भी देखकर डर जाए। क्या तेरा हिम्मत कैसे हुआ इसके ऊपर नजर डालने की? इसके ऊपर जो भी नजर डालेगा मैं उसका जान लेने के लिए दोबारा नहीं सोचूंगा। योनो। यस बॉस, आप बेफिक्र रहिए, जीके चला जाता है। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बेटा, संभाल के जाना। ओके मम्मा, जिमिन चली जाती है। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। सुबह बेटा, आजा, ब्रेकफास्ट रेडी है। सुबह खाना खाने बैठ जाता है। सुगा, कुकी कब आएगा? आएगा मम्मा, उसको बहुत काम है इसलिए वो आ नहीं पा रहा है। सुगा बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मा, आप क्या फिर से शादी के बारे में बोलने वाले हो? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं करेगा? हर लड़की उसकी तरह नहीं होती है, और तू तो उसे प्यार भी नहीं करता था, तो फिर उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि मैं लड़कियों को विश्वास नहीं करता हूँ। लड़के ऊपर से एक दिखती है और अंदर से और कुछ होती है। लड़के अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकती है। तू शायद भूल रहा है बेटा, मैं भी एक लड़की हूँ। मम्मा, आप सबसे अलग हो, आपके तरह इंसान तो बहुत कम है। मैं भी तो यही बोल रही हूँ बेटा, सब लड़की एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारी लड़की मेरे जैसी भी होती है। नहीं मम्मा, आप एक ही हो और आप मेरी मम्मा हो। अगर मेरी जैसी लड़की मिली तो तू शादी करेगा? सुगा कुछ नहीं कहता है, जाने लगता है। रुक सुगा, मैं तेरी माँ हूँ, तू क्या मुझ पे विश्वास करता है? हाँ मम्मा, आँख बंद करके आपको विश्वास करता हूँ। जिन सुगा के फोरहेड पे किस करती है? तेरे माँ तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, जो तुझे दिल से प्यार करेगी, तुझे दिल से अपनाएगी, तुझे अपना सब कुछ मानेगी, जिसके लिए तू ही सब कुछ होगा। ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी मम्मा। मिल गई है बेटा, तू सिर्फ शादी के लिए हाँ कर दे। मैं शादी करूँगा मम्मा, पर एक शर्त है। क्या शर्त? तू जो बोलेगा मैं वही करूँगी। अगर आप पापा को माफ कर दोगे तो ही मैं शादी करूँगा। मैंने भी तो कहा है, तू जिस दिन तेरी पापा को माफ कर देगा उस दिन मैं भी माफ कर दूंगी। मैं चलता हूँ मम्मा। सुगा चला जाता है। मैं जानती हूँ तू अपने पापा को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगर तेरी खुशी के लिए मुझे उसे माफ करना पड़े तो मैं माफ करूँगी, लेकिन मैं दिल से उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज आपकी टीम मीटिंग है। ठीक है सर, आपका डैड आपसे मिलने आया है। क्या, पापा मुझसे मिलने आया है और तुम्हें उन्हें बाहर वेट कर रहे हो? अंदर भेज दो। ओके सर। बेटा, पापा। बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा। पापा आप यहाँ? मम्मा ठीक तो है ना पापा? हाँ तेरा मम्मा बिल्कुल ठीक है, यही बात तुझे बोलने आया हूँ। कुछ दिन से देख रहा हूँ तेरी मम्मा बहुत खुश रहने लगी है, रोज किसी से मिलने जाती है। हाँ हाँ बेटा, शायद उसी से ही फोन पे हंस हंस के बात करती है। सबसे बड़ी बात, कुछ दिन से वो मुझ पे गुस्सा भी नहीं हो रही है, मेरे साथ भी नॉर्मल बात कर रही है। सच? हाँ बेटा। पापा शायद मम्मा आपको माफ कर दिया है। नहीं बेटा, तेरा मम्मा मुझे इतनी जल्दी माफ नहीं करेगी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके बेटा, मैं चलता हूँ। ओह हाँ, तुझे पता है ना आज रात? हाँ मुझे पता है पापा। आप बेफिक्र रहिए, उसे तो मैं बाहर लाकर ही रहूँगा। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ पापा। आराम चला जाता है। तुम जहाँ पे भी छुपा क्यों ना हो, मैं तुम्हें बाहर निकल कर ही रहूँगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप क्या मुझे पढ़ाएंगे? सॉरी जिमी।
वक्त मेरे निकल लीजिए ना। जिमिन सर प्लीज आप उसकी बात मान लीजिए, वो आपके पास पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। सुगा चला जाता है, मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया उन्होंने तो नहीं माना, तो एक बार बोली तो वो मान गया। इतना सोच मत, दिमाग खराब हो जाएगा। देख मैंने तेरा रास्ता क्लियर कर दिया है, अब अगला काम तुझे करना पड़ेगा। मतलब अपने दिल की बात उन तक पहुँचाने का यही मौका है। थैंक यू ते। हाँ ठीक है अब चल। स्टूडेंट अगले हफ्ते कॉलेज कैंपिंग है। वाओ मैं तो जाऊंगी। ते क्या हुआ? मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? पापा नहीं जाने देंगे। मामा को मैं मना लूंगी, तू फिक्र मत कर। ओह मुझे के बच्चे तू तो ऐसे बोल रही है कि पापा तेरी बात मान लेंगे। मेरे लिए मनाने की जरूरत नहीं है, तू खुद के लिए मना कर देख, पापा तो तुझे ही नहीं जानेगी। बड़े आए मेरे लिए मनाने वाली, तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मिसेस पार्क आपने क्या सोचा? किस बारे में मिस्टर किम? आपकी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में। सॉरी मिस्टर किम ये रिश्ता नहीं होगी, मेरे भैया ने मना कर दिया है। व्हाट? हाँ क्योंकि जिमी ने भी शादी नहीं करना चाहती है। मिसेस किम ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये रिश्ता होगा तो आपको ही फायदा होगा। ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है जहाँ पर सौदा होता है। भैया मिस्टर जेहो, मिस्टर किम हम बच्चों को लेकर सौदा नहीं करते हैं, हम हमारे बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और मेरे बहन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने के लिए उसका भाई है। आपने क्या सोचा था? मेरे बहन को ऐसा ऑफर देंगे तो वो मान जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि मेरी बहन के पास उसकी बेटी पहले है, बिजनेस नहीं। देखिए मिस्टर जेहोप ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी बेटी मुझे पसंद आई तो रिश्ते के बारे में बोला। आपने कैसे सोचा आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी करवाएंगे? आपके बेटे का तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, हर दिन कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदलता है, नाइट क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है, लड़कियों के साथ मैच करना ये तो आपके बेटे का हैबिट है ना मिस्टर किम? मिस्टर किम मैं ये डील तोड़ता हूँ। व्हाट? पर क्यों? मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, इसलिए JJRS कंपनी के साथ हमारा डील फाइनल हो गई है। क्या आप ऐसे आधे रास्ते पर डील नहीं छोड़ सकते? डील में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मिस्टर किम प्लीज आप आ सकते हैं, ये आपने ठीक नहीं किया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। एक एक वो आदमी चला जाता है, मैं भी आता हूँ। हाँ भैया जी अब भी चला जाता है। तुम नहीं जाओगे? क्लास में तो सब जा रहे हैं, सबका नाम है, सिर्फ तुम तीनों का ही नाम नहीं है। वो एक्चुअली सर मैं पापा से पूछे बिना कुछ नहीं कह सकती। मेरा भी वही प्रॉब्लम है सर, मामू से पूछे बिना मैं कुछ नहीं बोल सकती, और ये दोनों नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ वो तो मैं समझ गया, मैंने तुम तीनों का नाम डाल दिया है लिस्ट में, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगा। सच सर? हाँ तब तो मामू जरूर मान जाएगा। हाँ अरे सर आप यहाँ? ओह सॉरी जंकुक। कॉलेज में? आप यह कॉलेज में क्या कर रहे हो? किसी ने मुझे याद किया इसलिए मैं आ गया। किसने याद किया आपको? जरूर सर की गर्लफ्रेंड ने याद किया होगा। आपकी गर्लफ्रेंड ने याद किया? अगर हाँ बोलो तो? क्या हुआ तुम्हारी चेहरा क्यों उतर गई? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है जंकु? हम भी तो उनसे मिलाओ। मिलाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन आज नहीं। मैं तो आ जाई हूँ प्रिंसिपल से मिलने, मुझे उनसे कुछ काम है। ओ अच्छा तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? हाँ हो गया है। तुम रुको मैं प्रिंसिपल से बात करके आता हूँ। ओके जंकुक चला जाता है। तो उनके लिए रोका क्यों? उन्होंने बोला मुझे इसलिए। पर क्यों? यही तो जानना चाहती हूँ। वो तो तेरा कुछ नहीं लगता है तो तू उनके लिए क्यों रुका है? ये तो सही बात है, मैं तो उसकी कुछ नहीं लगती हूँ तो मैं उनके लिए रोका क्यों? वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनेगी। सच में वो लड़की कितनी लकी है जो इनकी गर्लफ्रेंड है। ते उदास हो जाती है। तैयार तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं नहीं तो सर। तो ऐसे क्यों बैठे हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ एक मिनट सर, ते आपके साथ अकेले क्यों जाएगी? हम भी आपके साथ जाएंगे। हाँ ठीक है तो चलो। तभी वापस जंकुक आता है और ते का हाथ पकड़ लेता है।
समझे? हाँ समझ गई सर, मैं अब मुंह बंद रखूंगी। चलो जिमिन और सुगा भी चला जाता है। हाँ ये दोनों ही चली गई, ये दोनों हमेशा मुझे भूल जाती है। क्या बात है यूं तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? हाँ कुछ नहीं, तो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है? नहीं मैं तो बहुत बातें करती हूँ। फिर से चुप हो गई? तुम शायद मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। तुम्हें शायद मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है, है ना? हाँ। वो कैसे दिखती है? वो बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है और स्वीट भी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वही मेरी दुनिया बन गई है। माई लव, माई एवरीथिंग। तेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। आंसू को पोछ लो। हाँ? पता है मेरी गर्लफ्रेंड जब रोती है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे कोई पत्थर से मार रहा है। ते आंसू पोछ लेती है। वो आँखों में कुछ चला गया था। हाँ मैं समझ गया, तुम ऐसे उदास मत रहो, अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। तू पहुंच गई है? नहीं क्यों? तुझे पता है ना आज सुमी की बर्थडे है। हाँ मुझे पता है, मैं सही टाइम पे आ जाऊंगी। तो बैठ जा, तेरी मेकअप बॉक्स लेकर मैं रखती हूँ। ते फोन कर देती है। तुम कहीं जाओगे? हाँ दोस्त की बर्थडे पार्टी है। रात में? हाँ। जा को कार रोक देता है। क्या हुआ? तुम्हारा घर आ गया है। हाँ आपको कैसे पता? ये मेरा घर है। तुम्हारे पापा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह मैं तो भूल ही गई थी। ओके बाय, मैं आती हूँ। बाय। जैकॉक चला जाता है। क्या बात है? ये कुछ नहीं कहती है, चली जाती है। इससे क्या हुआ? आज बिना बात किए चली गई? क्या पार्टी क्लब में है? लेकिन सुमित तो कहा था उसके घर पे है। वो घर पर होगा तो उसके बॉयफ्रेंड नहीं आ पाएंगे, इसलिए क्लब में रखा है। ओके हम आ जाएंगे। ओ गॉड, अगर तेरे को पता चला तो वो नहीं जाएगी। क्या करूँ मैं? मैं उसे बताऊंगी नहीं। उनकी गर्लफ्रेंड है, इस सुनकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ते बेटा? पापा? क्या हुआ पापा? तू ठीक तो है ना बेटा?